हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लक्ष्मी बबीता किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं व्रत के लिए बहुत आसान सी और हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी है ये, काफ़ी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हुई है ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से इस रेसिपी को हमने बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया है, छोटा बड़ा आप कोई सा भी साबूदाना ले सकते हैं। पहले इसे साफ कपड़े से पोंछ लिया है, जो भी धूल मिट्टी होगी इसकी हट जाएगी। और थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, या तो धूप में सुखा लीजिए या फिर एक फ्राई पैन में इसको हल्का गर्म कर लीजिए, जिससे कि ये पिसने में अच्छे से इसका बारीक पाउडर बन जाए। इस तरीके का इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है, हमने बना लिया है पाउडर। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। अब आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। बहुत आसान रेसिपी है और ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब ये ले लिया है मैंने भुनी हुई मूंगफली, इनको भी हल्का सा क्रश करेंगे। इनको ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा सा रखना है, तो रेसिपी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इस तरीके की, जिस तरीके की आप देख पा रहे हो वीडियो में। अब इनको भी साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ ये 3 उबले हुए आलू। अब इनको है ना हम कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे, मोटा बारीक आप कोई भी कद्दूकस से करेंगे तो इसमें कोई गुठलियाँ या चंक्स नहीं रहेंगे, एक जैसा आलू पूरा ग्रेट हो जाएगा अच्छे से। और आलू को ग्रेट करने के बाद अब इसमें हम कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे और इस पे से जो चिपका हुआ सारा हटा लेते हैं। अब आप जानते हैं व्रत में कुछ ज़्यादा मसाले तो खाते नहीं हैं, जो भी खाते हैं। अब मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ जीरा, ये साबुत जीरा है, कच्चा जीरा। और आधा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ये सेंधा नमक यानी कि स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्ची जिनको बारीक कट कर लिया है, और ये 6-7 कड़ी पत्ते थे इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और एक चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं ये ग्रेट किया हुआ अदरक, और ये डाल रहे हैं कुछ धनिए की पत्तियां। फ्रेंड्स, इनमें से आप जो नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। अब ये सारे जो फ्लेवर हमने इसमें ऐड किए हैं उनको सबको अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। और जो हमने वो मूंगफली को पीस के रखा था उसको भी इसके साथ मिक्स कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमने चावल का आटा पीसा था ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। जितना हमें ज़रूरत लगेगी उतना हमें इसमें आलू के साथ मिक्स करना है। एक डोसा बना के तैयार करना है, इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो फ्रेंड्स, आटा आपका ये साबूदाने का, ये आलू के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो मेरा उसमें से आधा आटा यूज हुआ है, आधा बच गया है, क्योंकि आलू में कम मॉइस्चर था, किसी किसी में ज़्यादा होता तो ज़्यादा लग जाएगा। अब ये एक थाली ली है, इस पर मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें ऑयल, और उसको डाल के है ना इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जो हमने ये डो बनाया है इसको मैंने स्क्वायर में अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको रख देते हैं साइड में, जब तक ये सेट होता है तब तक बना लेते हैं एक टेस्टी सी चटनी व्रत में खाई जाने वाली। अब फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने हरा धनिया, इसको पहले अच्छे से धो लिया था और इसको क्या है थोड़ा मोटा मोटा मैंने काट लिया, इससे क्या है चटनी को पीसने में बहुत आसानी रहेगी। और 3 लिए हरी मिर्ची, इनको भी रफली तोड़ के डाल दिया है। और एक छोटा टुकड़ा लिया है ये मैंने कच्चे नारियल का, जो पानी वाला नारियल आता है। ये 10-15 मैंने मूँगफली के दाने लिए हैं। और आधा चम्मच लेंगे नमक, सेंधा नमक यानी कि स्वाद अनुसार, आधा चम्मच ये जीरा। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चटनी बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। और 1 चम्मच भर के ले रहे हैं इसमें हम दही। दही ना हो आप इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हमारी चटनी पिस के तैयार हो गई, कितनी अच्छी चटनी बनी है, ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। अब ये भी हमारा सेट हो गया है, इसे अब हम चाकू से कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेफ आप अपनी मनपसंद की कोई भी दे सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर पीस में कट कर रही हूँ और देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, ना चिपक रहा है जैसे साबूदाना है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, चाकू पे भी नहीं चिपका। और देखिए कितने अच्छे पीस कट के तैयार हुए हैं इसके। और ये थोड़ी सी मूंगफली हमने खड़ी खड़ी रखी थी, अब मैं इनको कर रही हूँ सैलो फ्राई। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एक एक करके
अब जो बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं ना, वो थोड़ा बड़े मुंह का बर्तन लें, यानी फैला हुआ बर्तन लें, जिससे कि काफी सारा ये नाश्ता आ जाएगा उसमें। देखिए सारे इसमें हमने डाल दिए हैं। अब 1 मिनट तक हमें इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला है। और देखिए इसको सीखने में कुल 2-3 मिनट, 3-4 मिनट का समय लगा है मुश्किल से दोनों साइड से सीखने में। और कितना अच्छा क्रिस्पी कलर आया है, बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और जरा भी ऑयल इन्होंने नहीं सूखा है। देखिए इतने सारे हमारे उस थोड़े से ही ऑयल में बन गए, और अभी भी कितना सारा ऑयल बचा हुआ है। ये मेरे 3 पीस और बच गए थे, तो अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं। और इनको फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी नाश्ता बना है। फ्रेंड्स बहुत आसान सी रेसिपी है व्रत में खाने के लिए, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए।